टेन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट लोग, जब नंबर टेन लाइट सुना, लाइट के बारे में काफी कुछ पढ़ा भी है आपने, पढ़ा था ना मार्च अप्रैल में? यस सर। हाँ क्या भूल गए? तो स्टार्ट करते हैं लाइट से ही, देखिएगा इसके अंदर पहले अपन चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। स्टूडेंट लाइट क्या है? स्टूडेंट लाइट्स कैसे डिफाइन करेंगे लाइट को? हाँ इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। यस गुड। एनर्जी है, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी जो अपने को क्या करती है, which enable us to see any object या इस एक एनर्जी है जो अपने को दुनिया के अंदर हर एक चीज को दिखाती है। हाँ बिना लाइट का आपको दिखेगा? हाँ नहीं दिखता? सब में नहीं दिखते? हाँ सब में तो दिखते हैं। Yes, लाइट चाहिए उसके लिए? नहीं चाहिए। हाँ सपने दिख सकते हैं बिल्कुल बिना लाइट के, बाकी कुछ नहीं दिखेगा ना आपको, ठीक है? तो लाइट्स जो है एक एनर्जी का टाइप है, ठीक है, जो अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बना, जो एनेबल करता है टू सी एनी ऑब्जेक्ट। कैसे होता है इसको अपन समझ लेते हैं। इसके अंदर देखिएगा कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। देखिए नेचुरल सोर्स अर्थ पे अगर अपन बात करें लाइट का, तो नेचुरल सोर्स क्या अर्थ पे? सन है, अपने सूर्य देव का है। और यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अपन जो है फिजिक्स के अंदर हर एक चीज को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा, ठीक है, या इंसान भी ऑब्जेक्ट है और कोई भी नॉन लिविंग थिंग भी ऑब्जेक्ट है। आगे समझे तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा है, जिंदा हूं फिर भी, ठीक है ये। हाँ कोई ऐसा बोल, मुन्ना भाई वाला मत कर देना, आनंद भाई का ऑब्जेक्ट क्यों बोलती है, सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक, देखना तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया अपन इसके अंदर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ओके एक ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है ये, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो ओपेक है, ओपेक को बोले तो ओपेक ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है ना, उसको अपन ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखिएगा इसके अंदर, अब देखिए लाइट आएगी यहाँ पे ये जो लाइट आ रही है इससे टकराएगी, यहाँ पे लाइट आ रही है इससे टकराएगी, ठीक है। तो ये जो लाइट आ रही है, इस आने वाली लाइट को अपन बोलते हैं इंसिडेंट, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और बहुत सारी रे है तो रेस लगा देते हैं, इंसिडेंट सिंगल है रे, बहुत सारी है रेस। इस रेस को, इन रेस को अपन बीम भी बोल सकते हैं। रेस की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, बीम, है ना। तो बीम बोले तो क्या हो गया, बहुत सारी रेस अगर पैरेलल आए ना, तो ग्रुप ऑफ पैरेलल रेस, ग्रुप ऑफ पैरेलल रेस इज नोन एज बीम, क्या बोला जाएगा, बीम, समझ आ गया। चलो ये इंसिडेंट रे, तो जो आती है उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब देखिए ऑब्जेक्ट पे आ रही है यहाँ पे, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से सन से आ रही जो इंसिडेंट रे वो व्हाइट कलर की लाइट है। कैसी लाइट है? व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर है। इसके अंदर इसका मतलब इसके अंदर जो कितने कलर्स होंगे टोटल? सेवन कलर्स होंगे। कौन कौन से? वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है, विपचर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये सात कलर है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे यहाँ से जो लाइट आएगी ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगी, ऑब्जेक्ट क्या करेगा इस लाइट में से कुछ पोर्शन को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ये लाइट को लेकर। अब ये जो यहाँ से टकराती है वापस यहाँ से गई, इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारी रे हो तो रिफ्लेक्टेड रेज या बीम बोल देंगे, क्लियर है। अब देखिए तो हमारे सामने मैम भी ज्वाइन हो गए, मैम भी आज लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।
देखिए जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है आपसे टकरा के रिटर्न हो रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रेस बोलेंगे। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेस है ये रे जब अपने आईज तक जाएगी, कहां तक जाएगी, आईज तक जाएगी, तो ये अपनी आईज है, आई है, आईज ही बोल रहा हूं, एक आंख है तो भी दिख जाएगा, दो है तो भी दिखेगा, एक से भी दिख जाएगा, एक ही बना ये आई है। तो आईज जो होती है इसके क्या होता है, उसके बैक साइड में रेटिना होता है, क्या होता है रेटिना, नाम सुना रेटिना का, इस रेटिना के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, दो टाइप की फोटो सेंसिटिव सेल्स होती है, क्या होती है, इसके अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स होती है, फोटो सेंसिटिव सेल्स होती है। ये फोटो सेंसिटिव सेल्स जो है इनका नाम है, इसके अंदर एक होती है रॉड सेल और दूसरी होती है कॉर्न सेल्स, एक होती है रॉड सेल्स और दूसरा इसके अंदर कॉर्न सेल्स। तो ये दो टाइप की सेल्स होती है। अब जैसे ही यहां से ये जो लाइट आई है रिफ्लेक्टेड, एक्चुअली ये जो लाइट आती है सन से जो लाइट है वो एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कैसी वेव्स है, ठीक है, तो ये जो लाइट आ रही है यहां पे एक्चुअली एनर्जी है, आपकी आईज के अंदर जाएगी तो आई के अंदर एंटर करेगी, तो ये रेटिना तक पहुंचेगी, तो रेटिना के अंदर जो फोटो सेंसिटिव सेल है इन लाइट की जो रेस जो है इस एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, किसमें कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के अंदर कन्वर्ट करेगी, समझ में आ गया, यानी आपके जो लाइट की जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसमें कन्वर्ट कर दिया, रेटिना ने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो रेटिना के अंदर ये दो सेल्स होती है, रॉड सेल्स और कॉर्न सेल्स, रॉड सेल और कॉर्न सेल्स, ये दोनों टाइप की जो सेल्स है यही जो है वो लाइट को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के अंदर। अब यहां से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ना ये आपके आंख के अंदर एक नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, कौन सी नर्व होती है, ऑप्टिकल नर्व, ये ऑप्टिक नर्व इस सिग्नल को लेकर जाएगी ब्रेन तक, कहां तक पहुंच जाएगी, ब्रेन तक, ठीक है, और ब्रेन इसका एनालिसिस करेगा, ब्रेन उसका एनालिसिस करेगा तो आपका ऑब्जेक्ट नजर आने लग जाएगा, आ रहा समझ, तो इस तरह से जो है ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होता है इसके अंदर लाइट की वजह से होता है। तो लाइट आएगी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होगी, टकराएगी और उससे कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पोर्शन जो है वो लाइट ये ऑब्जेक्ट है वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे वो आई तक पहुंचेगी और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के अंदर कन्वर्ट होगी या सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होगी, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचेगा सिग्नल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर कैसा नजर आएगा, इस ऑब्जेक्ट में डिफरेंट कलर्स कैसे नजर आते हैं, कोई आपको जो है व्हाइट दिखता है, कोई ब्लैक दिखता है, कोई येलो ऑरेंज रेड कैसे दिख जाता है, इसका रीजन समझना है। देखिए यहां से जो लाइट आ रही व्हाइट लाइट उसके अंदर टोटल आपने बताया 7 कलर्स है, टोटल कितने कलर्स है, 7 कलर्स है, विद जॉब। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है ना इनमें से देखिए कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ स्पेसिफिक कलर को एब्जॉर्ब करता है और कुछ इसमें से कुछ को रिफ्लेक्ट करता है। सपोज करिए इसके अंदर जो है यहां पे जो ऑब्जेक्ट है इसने यहां से ये इतने सारे कलर को एब्जॉर्ब कर दिया, यानी वी आई पी जी वाई ओ यहां तक को एब्जॉर्ब करा और केवल एक कलर है इसको ये एब्जॉर्ब नहीं करा, उसको ये रेड का वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस रेड कलर को क्या करेगा, यहां से भगाएगा। तो यहां पे ये जो जा रही है लाइट, ये जो रिफ्लेक्टेड रे इसमें केवल कौन सा कलर की लाइट आ रही है, रेड कलर की, कैसी है, रेड कलर वाली आ रही है। तो आपके आई तक ये रेड कलर की पहुंच रहा है तो आपको ऑब्जेक्ट कैसा नजर आएगा, रेड नजर आएगा, समझ आ गया। अगर इनमें से जो ग्रीन वाला जो रिफ्लेक्ट होता बाकी का एब्जॉर्ब हो जाते तो आपको वैसा कलर नजर, यानी जो ऑब्जेक्ट जिस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, सुनना देखिए ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा नजर आएगा, ऑब्जेक्ट जो कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं सपोज कि प्लांट का जो लीव्स है उसका कलर कौन सा है, ग्रीन। तो अब मैं क्वेश्चन अगर पूछ लूं व्हिच कलर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन लीव्स, ग्रीन, तो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, भाई जो कलर आपको दिखता है वो कलर वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसका मतलब यही हुआ, आगे समझ में। तो ये चीज अब सपोज करो देखिए कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यहां पे जितनी भी लाइट आ रही है सारे के सारे कलर्स को लाइट को, यानी जैसे ये 7 कलर्स ऑफ लाइट है तो 7 के 7 कलर्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं, सातों में सातों को एब्जॉर्ब कर ले, तो पीछे तो ऑब्जेक्ट का कलर कैसा नजर आएगा, सारे का सारा एब्जॉर्ब कर ले, पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कलर, तो कैसा नजर आएगा ऑब्जेक्ट, व्हाइट, व्हाइट, व्हाइट,
एब्जॉर्ब कर रहा है पूरा पूरे पूरे ब्लैक नजर आएगा भाई, ब्लैक एकदम काला, ठीक है। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं काले कपड़े पहन लेते तो ज्यादा गर्मी लगती है, बोलते नहीं बोलते हैं क्यों, पूरा का पूरा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, तो ऑब्जेक्ट अगर ऑल कलर्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करे तो ब्लैक का फेयर होगा, कैसा फेयर होगा ब्लैक। अगर ऑब्जेक्ट सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दे, टोटल सेवन कलर्स को क्या कर दे रिफ्लेक्ट करे, तो कैसा फेयर होगा व्हाइट होगा। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ना तो एब्जॉर्ब करे ना ही रिफ्लेक्ट करे, उसको आगे जाने दे पास होने दे, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, रोक तो की नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो कैसा होगा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो गया, कैसा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। चलो तो ये तो कमरे की लाइट जो है वो अपने को कैसे एनेबल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के अंदर, कैसे अपने को जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसका कलर कैसे नजर आता है, क्लियर आ रहा है समझ में आ रहा है आ रहा नहीं आ रहा है। चलो अब देखिए इसके अंदर आगे हम बात करेंगे, इसके अंदर ये लाइट के नेचर के बारे में बात करते हैं, लाइट के नेचर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए लाइट का तो है वैसे ड्यूअल नेचर होता है, वैसे लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसका ड्यूअल नेचर जो है देखने को मिलता है इसके अंदर। तो नेचर ऑफ लाइट की बात करें अगर इसके अंदर नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, तो लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर शो करती है। ड्यूअल नेचर क्या है इसके अंदर समझना, यानी लाइट जो है एक तो वेव फॉर्म में, वेव फॉर्म, और दूसरा है पार्टिकल फॉर्म, दूसरा है इसके अंदर पार्टिकल फॉर्म, दोनों फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और पार्टिकल फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। तो पहले समझना इसके अंदर वेव फॉर्म पार्टिकल फॉर्म क्या, एक्चुअली देखिए लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स है, लाइट के छोटे छोटे पैकेट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उनको अपन बोलते हैं फोटॉन्स। तो पार्टिकल्स ऑफ लाइट जो है उनको अपन बोलते हैं फोटॉन्स, क्या बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो फोटॉन्स होते हैं वो ऐसे कंटिन्यू चलते हैं, जैसे अपन चींटियां चलती है, चींटियां चींटियां एकदम पास पास में चलती है, एकदम लाइन नजर आती है, रेड नजर आती है, अलग अलग चींटियां एकदम साथ साथ में चलती थी, कैसा नजर आता है, एक सीधी लाइन नजर आती है आपको, होता क्यों होता है। वैसे ही देखिएगा ऐसे लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनको फोटॉन्स होते हैं, ये फोटॉन्स मिलकर जो है वो एक वेव बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं इसके अंदर वेव बना लेते हैं। तो लाइट जो है वो वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म दोनों फॉर्म में ट्रेवल करेगी, आगे समझ में, पार्टिकल फॉर्म में भी होगी और वेव फॉर्म में भी होगी, आगे समझ में। अब देखिए इसके अंदर अगला जो अपना टॉपिक आएगा इसके अंदर, ये तो अपने लाइट के बारे में समझा इसके अंदर, ठीक है। तो या फिर इसको लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोल सकते हैं इसके अंदर, ये हमने समझा दिया। नेक्स्ट देखिएगा एक वर्ड आएगा इसके अंदर आपको डिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को समझेंगे समझे, एक वर्ड है आपके यहां पे डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन क्या समझना स्टूडेंट, यहां पे आपको जो है एक ऊपर एक दे रखा पेज नंबर जो है 198 पे डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन क्या चीज है समझना इसके अंदर। देखिएगा जैसे यहां से कोई सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स है यहां पे जिससे लाइट आ रही है, लाइट उसकी ये पैरेलल आ रही है, कैसे आ रही है पैरेलल आ रही है ना। अब इसके रास्ते में इसके पास में बीच में एक छोटा सा पार्टिकल है, ये छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है ना, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो ये लाइट क्या करेगी इससे हल्का सा इसके साइड से होकर ऐसे थोड़ा सा इससे बेंड होकर इससे निकल जाएगी, हल्की सी इससे साइड में सोके वापस ये निकल जाती है लाइट, ठीक है। तो ये वाला जो फिनोमेना होता है लाइट के पार्ट के अंदर अगर कोई स्मॉल पार्टिकल आता है तो लाइट हल्की सी क्या हो जाती है बैंड हो जाती है, ये इस वजह से पॉसिबल हुआ, पार्टिकल नेचर की वजह से पॉसिबल हुआ, ठीक है। अगर वेव फॉर्म में होती तो स्ट्रेट ही चलती, ठीक है, आड़ी टेढ़ी नहीं होती, तो पार्टिकल नेचर होने की वजह से ये साइड में थोड़ा सा मुड़ जाती है, इस नेचर को अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको डिफ्रैक्शन, समझ आ गया। तो ये एक डिफ्रैक्शन वाला जो है फिनोमेना है। अब अपना टॉपिक आएगा इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, और दूसरा है इसके अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो टॉपिक है इसके अंदर अपने दोनों। तो पहला अपना जो टॉपिक होगा वो है रिफ्लेक्शन, क्या होगा रिफ्लेक्शन, और फिर अपन समझेंगे इसके अंदर रिफ्रैक्शन।
तो मैं पहले तो दोनों में डिफरेंस बता दूं आपको, इन वर्ड में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन में। रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन क्या डिफरेंस है भाई, बोलो सर। स्पेलिंग अलग अलग है, एल ई है, एक में आर है, बाकी सेम है ना, ये तो नहीं है। दोनों देखिए लाइट से रिलेटेड फिनोमेना है, ठीक है। दोनों के अंदर अपन बेसिक डिफरेंस समझते क्या होता है इसके अंदर, पहले रिफ्लेक्शन को समझते हैं। देखिए सपोज फिर इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट, सॉरी कोई एक सरफेस है, एकदम